अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स में नज़ाकत ली। आज हमारे पास ये यूपीएस आया हुआ है जो बैटरी मोड पे, मतलब के बैटरी मोड पे बैकअप मोड पे बिल्कुल ठीक दे रहा है, बैटरी पे बैकअप बिल्कुल ठीक दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको वापड़ा में स्विच लगाते हैं ना, तो ये जो अपना आउटपुट है वो बंद कर देता है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, अब हमने इसका वापड़ा में स्विच लगा दिया 220 सीरीज़ में, तो जो है ना अब ये मेन आ चुकी है इस यूपीएस में। अभी इसका आउटपुट जो है ना बंद हो जा रहा है, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं इसका आउटपुट बंद हो चुका है। अब जैसे ही हम इसका स्विच निकाल लेते हैं तो आउटपुट ऑन हो जाता है बैटरी मोड पे। तो हमने इसको खोल लिया, खोलने के बाद देख लेते हैं इसमें किस चीज़ का फॉल्ट है। हमने जो है ना अब इस किट को बाहर निकाल लेते हैं, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं बाकी कोई चीज़ इस तरह जली हुई नज़र नहीं आ रही। इस किट के नट खोल लेते हैं, नट खोलने के बाद चेक कर लेते हैं इस किट में क्या प्रॉब्लम है, इसको देख लेते हैं। किट को अब खोल रहे हैं, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अब इसके किट के नट बोल्ट खोल लिया। अब इसको खोल रहे हैं, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं हमने इसको खोल लिया, और ये रिले का एक पॉइंट का जो है ना प्रिंट टूटा हुआ है, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं हमने इसका प्रिंट लगा दिया है। अब इसको बंद कर रहे हैं, बंद करने के बाद चेक करेंगे आया कि हमारे इस यूपीएस में यही फॉल्ट था कि कोई और फॉल्ट भी है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं अब हम जो है ना इस किट को बंद करने जा रहे हैं। अब इसको बैटरी पे लगा दिया, ये बैटरी पे बिल्कुल ओके चल रहा है। अब हमने इसमें वापड़ा 220 सीरीज़ में स्विच लगाया, अब ये यूपीएस मेन लेगा, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं अब इसे यूपीएस ने मेन ले लिए और ये अपना आउटपुट नहीं जो है ना बंद कर रहा, पहले बंद कर जा रहा था अब ये बंद कर नहीं जा रहा। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं अब ये वापड़ा पर भी लगा हुआ है, अब ये चार्जिंग भी बिल्कुल ठीक कर रहा है, पहले वापड़ा पे बंद हो जा रहा था। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आ जाती है तो सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल।